हेलो स्टूडेंट, प्रणाम। वेलकम टू राजमाता विद्या विहार ऑनलाइन क्लास। टुडे वी कंटिन्यू द चैप्टर वन। ओके, जो चैप्टर वन हमारा है वो पूरे फर्स्ट सेम तक चलने वाला है, इतना लंबा चैप्टर है, तो वो कंटिन्यू करते हैं। टुडे आई एक्सप्लेन द हाइपर लिंक्स। ओके, हाइपर लिंक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। उसमें देखो, यहाँ पर आपको दिया है दो टूल्स दिए हुए, बैक एंड फॉरवर्ड। तो ये जो बैक और फॉरवर्ड का जो सिंबल है वो आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में हो सकता है। ओके, ये देखो ये वाला, और यहाँ पे ये सेकंड नंबर का, ये दोनों आपको याद रखना है। क्या है, सर्कल के अंदर एरो है, मतलब जो अंदर की ओर जाता है वो बैक और बाहर निकलता है वो फॉरवर्ड। ओके, तो बैक बटन में क्या है, गो बैक टू द वेब पेज यू विजिटेड बिफोर द करंट वन। मतलब बैक में क्या होता है कि आप जो अभी जो पेज पे हो उसमें से वापस फर्स्ट वाले पेज, जो पेज में जाना है अभी आप जिस पेज में हो उसमें से गो बैक टू द वेब पेज। अभी आप कोई दूसरा पेज ओपन कर रहे हो और फर्स्ट वाले पेज में जाना है तो कौन सा बटन हमें यूज़ करना है, बैक। गो द नेक्स्ट पेज, द पेज यू विजिटेड बिफोर यू यूज द बैक बटन। बैक बटन को यूज़ करने के बाद आपने जो नेक्स्ट पेज आपका जो ओपन हुआ है और उसमें हो और वापस से फर्स्ट पेज में जाना है तो बैक बटन का यूज़ करने के बाद आप जो नेक्स्ट पेज में गए हो और वापस से वहीं पे जाना तो फॉरवर्ड करना है। ओके, हाइपर लिंक इज अ शॉर्टकट टू अनदर वेब पेज। हाइपर लिंक क्या है, तो जो एड्रेस बार में हम पूरा लिखते हैं ना http://semicolon.slash/line, तो उसके बदले पूरा सिंपल हम इतना ही लिखेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाया है www.navneet.com, इतना ही लिखोगे तो भी उसमें आपका वही नवनीत वाला पेज ओपन हो सकता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट में एड्रेस बार लिखोगे तो भी ये पूरा UR लिखने के बदले शॉर्ट में ये लिखोगे वेबसाइट, तो भी आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो। तो किस तरह से हमें ये यूज़ करना है हाइपरलिंक, उसके बारे में है। क्या करना है, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन www.navneet.com। इंटर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है और एड्रेस बार में आप ऐसे www.navneet.com लिखोगे तो ऐसे आपका ये नवनीत वाला पेज पूरा ओपन हो जाए। देखो यहाँ पे एड्रेस बार में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है navneet.com, तो फिर आपका ये नवनीत वाला पेज ओपन हो जाता है। ओके, हाइपर लिंक्स, तो जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पे देखो ये होम वाला पेज है, यहाँ पे होम, इमेज, होम, बिजनेस और वो सब लिखा है। तो ये क्या है, आपका होम लिखा है वो है आपकी हाइपरलिंक टैक्स, मतलब टैक्स है। और यहाँ पे जो नीचे पिक्चर्स टाइप का दिखा देता है वो है हाइपरलिंक इमेजेस, मतलब अलग अलग टाइप के इमेजेस है। अगर आपको यहाँ पे ये नवनीत वाली जो बुक में पिक्चर्स लगे हुए, ये पिक्चर वाला आपको ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो हाइपरलिंक के ऊपर, तो ये चिल्ड्रन वाली बुक है आपकी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन होता है। तो ये जो आपका पेज ओपन होता है, ये वाला नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो उसमें भी होम लिखा हुआ ऊपर रहता ही है, तो वो क्या है आपकी हाइपरलिंक। ओके, होम वाले, तो उसमें ये चिल्ड्रन बुक के बारे में आपका पूरा ये पेज दिया हुआ है। और उसमें ये जो पूरा पेज है, आप स्क्रोलर बार की मदद साइड में ये जो ब्लू कलर की लाइन दी हुई है ना यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, वो है आपकी स्क्रोलर बार। ओके, तो स्क्रॉलर बार की हेल्प से आप पूरा पेज अप डाउन करके पूरा पेज रीड कर सकते हो कि कौन से स्टैंडर्ड के कितने रुपीस की बुक है, क्या है, वो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे घर बैठे आपको मिल सकती है। ओके, फिर वापस से आपको फर्स्ट वाले पेज में चले जाना है, जो हमने ये वाला पेज ओपन किया था, फर्स्ट हमारा जो पेज ये ओपन हुआ था वो वाले पेज में चल जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमें दिया है ये वाला बैक बटन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करोगे तो आप ये फर्स्ट वाले पेज में चले जाओगे। ओके, और उसके बाद ये बटन आपने यूज़ कर लिया बैक बटन,
पर वापस लगता है कि आपको हाइपरलिंक की और आपको ऑन द होम पेज क्लिक ऑन द फॉरवर्ड गो टू द पेज यू विजिटेड बिफोर यू यूज बैक बटन। मीन्स कि अगर आपको बैक चले गए पर आपको वापस से ये जो आपने पेज यूज़ किया था अभी पढ़ा है बुक चिल्ड्रन बुक के बारे में वहाँ पे आपको जाना है तो फॉरवर्ड बटन दबा फॉरवर्ड बटन को क्या करना है क्लिक, तो बैक बटन का यूज़ करके आप जो पेज में गए थे उससे पहले वाले पेज में चले जाते हो, nominate.com वाले पेज पे, मतलब फर्स्ट वाले पेज पे आप चले जाओगे। और वहाँ पे बिजनेस लिखा है, यहाँ पे देखो बिजनेस लिखा है, वहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी पूरी लिस्ट ओपन होती है, और जैसे ही तो उसमें लिस्ट में देखो आपने क्या बिजनेस वो किस तरह से बिजनेस करता है, उसकी पब्लिकेशन, यहाँ पे आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी है। तो पब्लिकेशन पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही पब्लिकेशन पे क्लिक करते हो तो आपका वो पूरा पेज ओपन होता है। और जो यूज़ जो हाइपरलिंक टैग्स आप जो यूज़ करते जो पेज यूज़ करते वो कौन से कलर में दिखाई देती है आपको, रेड कलर में। ओके, आपको कौन से कलर में दिखाई देगी, यहाँ पे देखो रेड कलर में दिखाई दे रही है। ओके, तो जो भी आप यूज़ करोगे, जो भी पेज यूज़ करोगे, हाइपरलिंक्स यूज़ करते हो आप, जो भी करंट पेज में हो तो वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, टाइटल ऑफ द पेज। ओके, फिर यहाँ पे आप है ये जो ब्लू कलर की मैंने पहले एडवांस में दिखाई थी आपको, यहाँ पे क्या है वो रेड कलर में ये स्क्रॉल बार है वो उसका यूज़ करके आप पूरा पेज रीड कर सकते हो। ओके, स्क्रॉल एंटायर पेज, द पब्लिकेशन, द पेज टेल्स यू अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पब्लिकेशन, दीज आर ऑल्सो हाइपरलिंक्स। ओके, अभी ये पब्लिकेशन के बारे में, जैसे ही पब्लिकेशन पे क्लिक किया तो फिर आपको क्या यहाँ पे तीन ऑप्शन, जैसे कि एजुकेशनल बुक है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जनरल बुक्स के बारे में जानना है, चिल्ड्रन बुक्स के बारे में जानना है। तो अभी हमें चिल्ड्रंस बुक के बारे में, हम आगे से पहले ही मैंने एक्सप्लेन बोला कि चिल्ड्रन बुक के बारे में हमें जानना है, तो जैसे ही चिल्ड्रन बुक है उसके नीचे लिखा है नो मोर, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो चिल्ड्रन की चिल्ड्रन नो की जो बुक्स है किसके एज के लिए कौन सी बुक आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है, वॉट एवर जो भी उसके बारे में डिटेलिंग में ये पूरा पेज वहाँ पे आ जाएगा आपका। स्क्रॉल बार बाजू में यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, उसकी हेल्प से पूरा पेज रीड कर सकते हो। ओके, यूज़ द स्क्रॉल बार थ्रू आउट द एंटायर पेज, मतलब पूरा पेज आप उसमें यूज़ कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, अपना काम सब खत्म हो गया, अपने सारे पढ़ लिया और वापस हमें होम पेज में जाना है, तो क्लिक टू ओनली फॉर क्या करना है, यहाँ पे होम लिखा है उसके ऊपर आपको करना है क्लिक। ओके, यहाँ पे देखो आपको होम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको करना है क्लिक। सॉरी हाँ, यहाँ पे आपको ये जो होम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप करोगे क्लिक, तो आप वापस से कहाँ चले जाओगे, अपने फर्स्ट पेज में या नवनीत के फर्स्ट पेज में आप आ जाते हो। ओके, अब उसके आगे है, ये तो हमने बैक फॉरवर्ड बटन का यूज़ देख लिया, स्क्रॉल बार किस तरह से यूज़ करना है, फिर वो पेज नवनीत वाला शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद किस तरह से हम वो वेब पेज यूज़ करते हैं वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर लिया। नाउ अभी दो ये तीन टूल्स है, स्टॉप, रिफ्रेश एंड होम। तो स्टॉप से क्या होता है सबको पता है, स्टॉप मींस डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब पता रहता है कि जो न्यू अपडेटेशन आता रहता है तो रिफ्रेश करते रहते हैं तो हमारा न्यू अपडेटेशन या न्यू नोटिफिकेशन आता है वो हमें दिखाता है। मींस के रिफ्रेश अ वेब पेज, इट इज़ यूज टू डाउनलोड द लेटेस्ट कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज, न्यू अपडेटेशन। ओके, और ये जो सिंबल है वो है होम, गो टू द डिफॉल्ट होम पेज, यहाँ पे होम का सिंबल है और होम लिखा है मतलब हम होम पेज पे जा सकते हैं। ओके, ये सब आपको याद रखना है, ये आएगा एग्ज़ाम में भी आएगा, और अभी यूनिट टेस्ट 3 है उसमें भी जीके और कंप्यूटर की एग्ज़ाम होने वाली है इस बार, तो शायद मैं पूछूंगी उसके बारे में आपको लिखना है। उसमें हेडिंग में मैंने लिखा होगा कि राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग बटन्स, मींस के मैंने अगर बटन्स ड्रॉ किया होगा बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश स्टॉप होम ये वाले उसके सिम्बॉल्स दिए होंगे आपको, वो एक्सप्लेन, वो उसका नेम लिखना है, वो टूल्स, वो फंक्शन को और उसका फंक्शन लिखना है।
ओके तो यहाँ पे पहले मैंने क्या सिखाया, बैक एंड फॉरवर्ड है, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था गो, देख लेना अगर नहीं पता है तो, गो बैक फॉरवर्ड स्टॉप रिफ्रेश एंड होम, ओके इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो उसके नेम भी आपको याद करने हैं, सिम्बोलाइज मतलब आइकॉन्स, उसके ये जो सिंबल है किस सिंबल को क्या बोलते हैं वो याद करना है, और उसका फंक्शन याद करना है, ओके वो मैं आपको नोट्स दे दूँगी। अभी ये तीन ऑप्शन, ये तीन टूल्स आपको किस तरह से यूज़ करना है, इंटरनेट को कनेक्ट करना है, navneet.com हम अभी वही यूज़ navneet वाला ही कर रहे हैं, तो navneet.com है उसको www.navneet.com लिखोगे, ओके ब्राउज़र स्टार्ट डाउनलोडिंग द होम पेज ऑफ navneet.com। तो क्या होगा, जैसे ही आप एड्रेस बार में navneet.com लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे navneet जब तक वो पूरा पेज फर्स्ट पेज ओपन नहीं होता है तब तक ये गोल्ड रिंग और एक्टिवेशन मैंने स्टेटस बार में दिखाया था ना, मतलब जब तक वो पूरा मिलता नहीं है तब तक क्या होता है ये गोल्ड रिंग घूमती रहती है। मोबाइल यूज़ करते हो तो सबको पता ही है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके सिक्स आइटम वेटिंग फॉर दिस, ओके अभी ये सिक्स आइटम उसमें ये यहाँ पे नीचे टास्क बार में लिखा हुआ रहता ही है। द एक्टिव टैब शोज दैट द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग द प्रोसेस गोइंग इज गोइंग ऑन, ओके इसका मतलब क्या है आपको पता चल गया। द स्टेटस बार शो द सिक्स आइटम आर स्टिल रिमेनिंग टू बी अ डाउनलोडेड, ओके अभी सिक्स आइटम उसमें डाउनलोड होनी बाकी है वो स्टेटस। क्लिक ऑन स्टॉप और प्रेस द एस्केप की टू स्टॉप डाउनलोडिंग द पेज, अगर आपको जल्दी है या फिर कोई दूसरा काम याद आ गया तो आपको क्या करना है, अगर नहीं चाहिए तो स्टॉप करना है, स्टॉप के ऊपर क्लिक करोगे या फिर कीबोर्ड में एस्केप की जो सबसे पहले होती है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में वो प्रेस करोगे तो आपका डाउनलोडिंग स्टॉप हो जाएगा, ओके यहाँ पे एक्टिव टैब में अब navneet हो गया हमारा, सोर्स द डाउनलोडिंग हैज स्टॉप्ड, ओके यहाँ पे आपने ये स्टॉप वाला यहाँ पे ये स्टॉप के ऊपर क्लिक किया तो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा डाउनलोडिंग, ओके यहाँ पे navneet। फिर क्लिक ऑन रिफ्रेश और एस और प्रेस द F5 की टू रिस्टार्ट द डाउनलोडिंग, स्टॉप के बाजू में ही आपका रिफ्रेश बटन है, तो जैसे ही उसके ऊपर या फिर कीबोर्ड में F5 जो की है उसके ऊपर प्रेस करोगे तो आपके डाउनलोडिंग रिस्टार्ट हो जाएगी, मतलब फिर से डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है द पेज स्टार्ट अगेन। When the entire page downloaded, the active tab will appear navneet and you will see the work done on the status bar. जैसे ही आपने कहा ये navneet वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, navneet वो स्टेटस बार में यहाँ पे navneet लिखा हुआ कंप्लीट आ जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोजर में navneet लिख जाएगा उसके बाद में, और स्टेटस बार में क्या दिखाएगा, डन, ओके और होम पेज क्लिक टू गो टू द डिफ़ॉल्ट होम पेज, होम पेज में वापस जाना है तो क्या यहाँ पे देखो होम का सिंबल है और वहाँ पे क्लिक करना है, ओके डन द स्टेटस बार, ओके क्लिक ऑन होम, होम पेज पे वापस जाना है तो क्या करना है हमें, क्लिक ऑन होम, ओके अंडरस्टैंड इसके बारे में लिख लेना नोटबुक में, और मैं वैसे भी PDF भेजने वाली हूँ और लर्न भी करना। बाय, प्रणाम।